काशी विश्वनाथ की नगरी में गंगा किनारे मेरी मौजूदगी है। दशाश्वमेध घाट है जो इस वक्त गंगा आरती के लिए सज धज कर पूरी तरह से हो चुका है तैयार। हजारों की तादाद में लोगों की इस वक्त इस घाट पर अलग अलग हिस्सों में मौजूदगी है। लेकिन हम बात करेंगे सियासत में चढ़ते हुए तापमान की। आपको बताते चले, 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार अब अगले 24 घंटे में थमने वाला है, जिसको लेकर दिग्गजों ने पूरी ताकत अपनी झोंक कर रखी हुई है। क्या वाराणसी, क्या गोरखपुर, क्या बिहार, क्या पश्चिम बंगाल, हर जगह इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है, जहां पर अलग अलग पार्टी के दिग्गज अपने अपने नेताओं के प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत लगा दे रहे हैं, ताकि आखिरी चरण में जिन 58 सीटों पर होना है मतदान, वहां पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इन सब के चक्कर में एक तरफ आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से कम सीटों पर सिमटने जा रही है। कई नेताओं ने तो 140 से 150 के आंकड़े बीजेपी के लिए सामने रख दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 400 पार के दावे पर लगातार लगी हुई है। उसका ये कहना है 360 तो हमने 6वें चरण में पार कर लिया है और अब 7वें चरण के मतदान होते होते 400 पार के नारे को हमारी जनता देखेगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने ये बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो खाने की मेज पर अपना आत्मविश्वास दिखाने की कर रहे हैं कोशिश और बीजेपी पर ताबड़तोड़ निशाना साधते जा रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी जब वाराणसी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि देखिए साइकिल का हैंडल अब मजबूती से हाथ, जो कि चुनाव चिन्ह है कांग्रेस पार्टी का, उसने थाम लिया है और अब बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। वो लिख कर देने को तैयार है कि 4 जून को मोदी की सरकार जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से वार किया जा रहा है कि हैट्रिक लगने वाली है और इस बार और प्रचंड तरीके से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाएगी। इस तरह के दावे उधर से किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो आंकड़ों का अंक गणित है, इसमें किसको मिलेगी कामयाबी? पूर्वांचल सहित जिन 57 सीटों पर होने हैं मतदान, वहां को लेकर स्थिति क्या है, मुद्दे क्या है, दोनों तरफ के दावे को लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। दंगल में पक्ष विपक्ष के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज दिन भर सियासत किस तरह से गर्माई रही, तापमान तो वैसे ही 46 से लेकर 50 डिग्री पार हो चुका है, लेकिन किस तरह से सियासत गर्माई हुई है इस वक्त मौजूदा वक्त में, दोनों तरफ से कैसे वायदे और दावे किए जा रहे हैं, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद दंगल में करेंगे चर्चा की शुरुआत। अगले 24 घंटे में चुनाव प्रचार का भोंपू थम जाएगा। रैलियां बंद, रोड शो बंद, जनता अपने घर, नेता जनता के घर। 1 जून को आखिरी चरण के वोट पड़ेंगे, 3 दिन बाद नतीजे आएंगे, लेकिन चुनाव पार इस बार क्या होगा? इंडिया गठबंधन के सिरमौर तो ठान चुके हैं कि बिहार में दो दो बार मटन पार्टी हो गई, अगली बार दिल्ली में होगी। लेकिन एनडीए के सिरमौर बीजेपी के नेता पीएम मोदी चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद दूर दक्षिण बीच समंदर में ध्यान साधना का ऐलान कर चुके हैं। पहले सुनिए इंडिया गठबंधन की ओर से मछली ब्रांड पॉलिटिक्स के बाद अब मटन पार्टी का क्या क्या प्रोग्राम है। राहुल जी दो बार मटन खा बता दिए, अब हमें कहलाना पड़ेगा। नाउ इट्स माय टर्न, माय सिस्टर्स एंड माय टर्न टू इनवाइट देम। नहीं तो यही करेंगे लोग, इनके पास काम क्या बचेगा। 4 जून के बाद जितनी पार्टी करनी है, मटन बनाएं, खिलाएं, मछली पकाएं, खिलाएं, यही करने के काम अब इनके पास रह जाएगा। एनडीए के नेता भले ही 400 पार के आत्मविश्वास से लबरेज हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन वाले भी कम नहीं दिखा रहे। लंच कैंप में भी नतीजे पर ही चर्चा कर रहे हैं। सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी का, सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं ना। क्या खाते हो, क्या बोलते हो? मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट। मतलब लालू, तेजस्वी, राहुल, ममता और केजरीवाल के बाद अब मीसा भारती भी बीजेपी को 150 में सिमटता देख रही हैं। वैसे तो राहुल गांधी दूसरे चरण के बाद से ही चुनावी मंचों से लिख कर देने को तैयार दिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम नहीं बनने जा रहे। लेकिन आखिरी दौर में प्रचार में यूपी से लेकर बिहार घूम आए तो उनका कॉन्फिडेंस कुछ और ही बढ़ गया। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की।
लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। कोई फिल्म जो 17 में लॉन्च हुई और वो 17 में नहीं चली तो वो 24 में दोबारा हिट नहीं हो सकती है, तो इस जोड़ी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। पांचों चरणों में 310 का आंकड़ा पार करने का दावा कर रही है बीजेपी। आखिरी चरण के प्रचार में एक बार फिर 400 पार के आंकड़े को दोहराती नजर आने लगी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 400 पार के एनडीए के साथ पहुंचने वाली है, सातवें चरण में 400 पार हो जाएगा। देखिए, उन्होंने शुरू किया 400 पार कहना, फिर बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं, अब फिर से बोल रहे हैं। अब उनका मन बदलते रहता है, वो क्या किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता थक गई है इनकी राजनीति से, जनता थक गई है ये सब बातें सुनने से। वैसे जनता ने जनादेश दे दिया है, अब बस नतीजा सुनना चाहती है। आखिरी चरण की 57 सीटों का हिसाब बाकी है, वो भी 2 दिनों में हो जाएगा। फिर देश देखेगा कि 400 पार के दावे में दम था या खटाखट सियासत के वादे पर देश भरोसा कर सका। आज तक ब्यूरो। आखिरी दौर के मतदान को लेकर दोनों ही तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, किसके दावे का दम दिखेगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है इन सबके बीच। अब आपको बताते चले, चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद कन्याकुमारी सीधे विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर ध्यान में वो लीन होंगे और उसके जरिए एक बड़ा संदेश दिए जाने की उनकी ओर से की जाएगी कोशिश। लेकिन आंकड़ों का दम दिखा रही पार्टियां क्या वास्तव में इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं जितना कि उनकी ओर से कहा जा रहा है? खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनके साथ दंगल की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका भारती जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ हैं। अरुण राजभर जी, एसबीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, और मलुक नागर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लोकसभा के सांसद और इसी के साथ ही जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अब एकदम दो टूक कह दिया गया है राहुल गांधी की ओर से, इसी वाराणसी में आकर लिख कर देने को तैयार है। वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार जा रही है और हाथ ने इतनी मजबूती से पकड़ लिया है साइकिल को कि साइकिल तेजी से दौड़ लगा रही है उत्तर प्रदेश में, और खटाखट यहां पर सीटें आने वाली हैं इंडिया गठबंधन को। देखिए चित्रा जी, ऐसा है, ये जो घमंडिया है इसका घमंड चकनाचूर होगा 4 जून को। ये जान गया है कि नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे, सीटें हमारी आएंगी 400 पार एनडीए की, और इसीलिए पूरे आप चुनाव प्रचार में देखिए, जब कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है कि भैया बताओ कैसा चल रहा है चुनाव, तो वो कहते हैं कि भाजपा की सीटें आ रही हैं 200। अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है आप बताओ भाजपा का चुनाव प्रचार कैसा है, आपका कैसा है, तो वो कहते हैं भाजपा की आएंगी 220। सपा के अखिलेश यादव तो आधुनिक राजनीति के मुंगेरी लाल हैं, मुंगेरी लाल तो हर बार कहते हैं कि उनकी सीटें अच्छी आएंगी, लेकिन आज जो मैंने उनका वक्तव्य सुना उसी से शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव जी पार्ले जी का पैकेट दिखा के बोल रहे हैं, पार्ले जी का पैकेट छोटा हो रहा है, तो जनता ये कह रही है लल्ला आप तो छोटा होने की बात मत करो, आपके पिताजी ने आपको समाजवादी पार्टी दी, 2004 में 36 सीटें थी, 2009 में सिकुड़ के 23 हो गई, 2012 में मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, और उसके बाद 2014 में 5 सीटें, 2019 में आई 5 सीटें, और 2024 में 3 लोकसभा की सांसद हैं। अब बताइए, पिताजी ने चादर दी आपने रुमाल बना लिया, और ये रुमाल क्यों बना है चित्रा जी जानिए, आप बताइए कितना आहत होता है हिंदू समाज बहुसंख्यक जो है, जब आप ये कहते हो कि वोट जिहाद कर डालो, और अखिलेश यादव से आप जैसी निर्भीक पत्रकार पूछती हैं अखिलेश भैया क्यों जहर फैला रहे हो, तो अखिलेश भैया कहते हैं वो जो मरिया आलम है वो जोश में बोल रही है। अब आप देखिए, तुष्टीकरण करेंगे मुसलमानों का, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेंगे। राम गोपाल यादव जी बोलते हैं कि भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसका नक्शा खराब है। चित्रा जी,
क्या मजाल है अखिलेश यादव एक बार बोल के दिखाएं, ठीक है, गली नुक्कड़ की मस्जिद के लिए कि नक्शा खराब है। यहाँ करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, वहां पे इन्होंने कह दिया नक्शा खराब है। तीसरी बड़ी बात, ये बहुत अहम है, मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, ये संवैधानिक नहीं है। चित्रा जी एक बार पूछिए, ओबीसी समाज के बाहर का आज तक जो ओबीसी समाज का भी हो, यादव परिवार के बाहर का आपने क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया, क्या ये पूछा नहीं जाएगा? मुस्लिम के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, ओबीसी समाज को ठग लेते हो, और ये मुद्दा पूरी प्रखरता से अगर किसी ने उठाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, क्योंकि हम संविधान से चलेंगे, शरिया कानून से नहीं। अमित जमई साहब, अब आपका जवाब, एक तो उनकी बातों पर आपका जवाब चाहिए और दूसरा मेरा ये सवाल है, देखिए 2017 में भी तो हाथ ने साइकिल को बड़ी मजबूती से पकड़ा था, लेकिन उस समय लोकसभा के छोड़िया विधानसभा की क्या रिजल्ट रहे थे 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, और 14 में हमने देखा था सूबा साफ होते हुए। ऐसा क्या हो गया है इस बार, हाथ में इतनी ताकत कौन सी आ गई है कि साइकिल को पकड़कर, और राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इस बार तो कमाल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में जैसा कि अखिलेश यादव भी बता रहे हैं 79 सीटों पर आप लोग जीत हासिल करेंगे, क्या बदल गया है, कौन सा मुद्दा है जो इतनी बड़ी जीत दिलाएगा आप लोगों को? गौरव भाटिया जी, एक बात आपको हमको ये बताना भूल गए कि महात्मा गांधी जी को किसी फिल्म के जरिए भारत में दुनिया में जाना गया, एक बात ये भी जोड़ देते। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2022 का जो रिजल्ट, नरेंद्र मोदी एक तरफ, अमित शाह जी एक तरफ, बीजेपी आरएसएस एक तरफ, योगी आदित्यनाथ एक तरफ, 1.5 लाख वोटों से अखिलेश यादव जी की जो पूरी शक्ति उत्तर प्रदेश में, हमने चकनाचूर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को, 1.5 लाख वोटों से हम 89 सीट पे आ रहे, 200 वोट 100 वोट 150, ये जो पूरी शक्ति है हमने इसको इकट्ठा किया। और अखिलेश यादव जी, पूरा देश ये जानता है कि नरेंद्र मोदी भारत के संविधान का चकनाचूर कर देना चाहते हैं, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को तोड़ना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं, आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, उस पूरी आवाज को आदरणीय राहुल जी ने, अखिलेश यादव जी ने लेकर पूरे देश में गए और आज उसी के सवाल पर चुनाव हो रहा है। अखिलेश जी पूछते हैं कि आपने पूर्वांचल के युवाओं के साथ विश्वासघात क्यों किया, आपने अग्निवीर में ठेका क्यों ले आए, आप प्रधानमंत्री की बात कोई जवाब नहीं। हम पूछते हैं औरंगजेब को तो हम इल्जाम ठहराते हैं कि औरंगजेब ने मंदिरें गिराई, ये नया अभियान 2014 में भारत की मिट्टी में कौन पैदा हो गया जिसमें वाराणसी में हमारी हजारों सैकड़ों मंदिरें तोड़ी, पूरा देश जानता है। मैं गंगा कहते मैं देता हूं, वो मैंने मुझे बनाया था 18,000 करोड़, ये सुल्तान दिल्ली का मां गंगा के नाम पे इसकी सरकार हड़प गई, मां गंगा को हड़प गए ये लोग, और उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आया। तो देश रोजगार के सवाल पे वोट कर रहा है, ये जो मल्लाह है, मल्लाह पूरा बेल्ट ये जो वाराणसी का है, मल्लाह समाज को अमित शाह जी ने कहा था आरक्षण देके उनको हम शिक्षा में नौकरियों में अलग से मौका देंगे, मल्लाह समाज को अमित शाह जी ने धोखा दिया, उनके रोजी रोजगार पे प्रहार किया और वो जहाज कहां चला गया जो वाराणसी से कलकत्ता जा रहा था, तो जैसे ही वो जहाज कलकत्ता नहीं पहुंचा, नरेंद्र मोदी इस बार दिल्ली नहीं पहुंचने वाला। मैं गौरव भाटिया जी आपकी बड़ी बहुत जरूरी है, सभी लोगों से कर ली जाए वरना बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए, ठीक है मैं लौट रही हूँ, मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए, अब पूरा दमखम दिखा रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव जब मायावती जी के साथ थे और आप भी उसी पार्टी का हिस्सा थे, उस समय क्या जोश में कमी थी और इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ मिलने के बाद इंडिया गठबंधन एक अलग ही जोश में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है और वही जोश कल बनारस में भी दिखाने की कोशिश की गई इन लोगों की ओर से, तो आप लोगों के लिए डर का माहौल है क्या जिस तरह से पूरे दमखम के साथ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और कड़ी और बड़ी चुनौती दे रहे हैं नागर साहब आप लोगों को? चित्रा जी, डर का माहौल नहीं है। अभी किसानों की बात की आज राहुल गांधी जी ने, तो हमारे सपा के भी और कांग्रेस के भी, सपा के भी और आरजेडी के भी और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आशुतोष जी, आज 29 तारीख को किसान घाट पे कोई खास बात है तो क्या एसपी के किसी भी ट्विटर हैंडल से या कांग्रेस के किसी ट्विटर हैंडल से क्या किसान घाट के बारे में कोई किसी ने कोई ट्वीट किया है?
और इन्होंने नहीं कह रहा है तो मैं बताना चाहता हूं, धरती पुत्र किसानों के मसीहा, किसानों के देवता, इस सरकार ने जिनको भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि थी। अरे किसानों की बात करनी है और पिछड़ों की बात करनी है तो किसान 80% और पिछड़े करीब 60%, और चौधरी चरण सिंह जी धरती पुत्र दोनों में क्वालिफाई करते हैं, पिछड़े समाज से भी और किसान समाज से भी। तो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के जहां समाजवादी पार्टी के जो शुरुआत की माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ रह के चौधरी चरण सिंह जी की सेवा करके राजनीति की शुरुआत करी और वो अस्तित्व में आए, तो आज किसानों की बात। अब ये दूर दूर ऊपर ऊपर खाना खाते खाते कुछ बात कर रहे हैं, उसकी वीडियो ट्रोल हो रही है, वायरल हो रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर है कि उसी के आधार पर बिल्कुल खुश हो रहे हैं, आत्मविश्वास भर रहे हैं और अपनी सरकार बनी हुई मान रहे हैं। एक तरफ अपनी सरकार चित्रा जी बनी हुई मानते हैं कि 300 से पार, और दूसरी तरफ ये कुछ दिन पहले कह रहे थे ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, तो इनकी इनकी सरकार कैसे फिर बन रही है? और अगर सरकार बन रही है काल्पनिक तौर पे मुंगेरी लाल के सपने मान भी लिए जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि फिर ईवीएम ठीक है, तो 4 तारीख को क्या ईवीएम का ठीक रहता नहीं छोड़ेंगे जो इनका आत्मविश्वास है, फिर वो हल्का हो जाएगा। मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, एक बार प्रियंका भारती जी की टिप्पणी लेती हूँ, ठीक है? वो कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है विपक्ष इस वक्त, और हर जगह तो मोदी की लहर चल रही है। प्रियंका जी, चित्रा त्रिपाठी जी, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता और अररली के सांसद महोदय इस समय में मुंगेरी लाल कमीशन के हसीन सपने बोलकर मुंगेरी लाल कमीशन का मजाक बना गए बड़े हौले से, आहिस्ता से, और किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया, वाकई चिंताजनक है। क्योंकि मुंगेरी लाल कमीशन पहला कमीशन था जिसने पिछड़ों अति पिछड़ों महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, जिसके तर्ज पर फिर मंडल कमीशन बनाया गया। उस समय में भी इन भाजपाइयों ने मंडल कमीशन से अपने 88 सांसदों को पीछे खींच लिया था और सरकार गिरवा दी, उसके विरोध में तक मनोरथ निकलवा दिया। इतना छोड़िए ना, हाल फिलहाल पर आपको लेकर चलती हूँ। जब तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना करवाने की सफल प्रयास कर रहे थे, उस समय में इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दायर करवा दिया उसके खिलाफ में। ये है इनकी जातिवादी मानसिकता और इससे ग्रसित है ये लोग। एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं हम पिछड़े प्रेमी हैं, हमको आरक्षण से समस्या नहीं, और वहीं दूसरी ओर जाकर राम भद्राचार्य जो जो आरक्षण को दिन रात गाली देता है उसके पैरों में वो दंडवत प्रणाम करके आते हैं। क्या भाजपा के लोगों में इतनी हैसियत है कि जिन राज्य में इनका शासन है वहां पर 75% आरक्षण करवाएं? हमने तो जातिगत जनगणना सर्वे करवा करके बिहार इकलौता ऐसा राज्य बना दिया जहां पे हमने जिनके साथ जन्म के आधार पर भेदभाव हुआ उनको हमने जन्म के आधार पर न्याय दिया 75% आरक्षण करवा के। और जैसे ही इंडिया की सरकार बनती है हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लेकर के आएंगे, इसे हमें नागपुर की भी कोई ताकत नहीं रोक सकती है इसे लागू करने से। क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ डिस्क्रिमिनेशन जन्म के आधार पर तो न्याय जन्म के आधार पर। चित्रा त्रिपाठी जी, मेरा तो आरक्षण ही दाव है क्या? प्रियंका भारती जी आप मेरी बात सुनिए। प्रियंका भारती जी, एक सेकंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। प्रियंका जी आप मेरी बात सुन लीजिए, एक तो मुंगेरी लाल कमीशन की बात नहीं हुई थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक कहावत है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। आमतौर पर ये टर्म यूज किया जाता है अगर कोई भी हम कहावत करते हैं। आप मेरी बात सुन ले प्रियंका जी। और दूसरी चीज मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि देखिए राम भद्राचार्य एक धार्मिक गुरु हैं, उनको राजनीति में घसीट कर यहाँ पर लेगा, उनका पक्ष रखने के लिए तो कोई नहीं बना बैठा है ना। अब बीजेपी जो कह रही है उसके उसको आपको हराना है, आपको अपनी बात कहनी है। मेरा ये सवाल है, बार बार आप लोग कह रहे हैं आरक्षण बहुत अच्छी बात है। मेरा ये सवाल है प्रियंका जी, प्रियंका जी मेरी बात तो सुने। मेरा ये सवाल है कि क्या आरक्षण का झुंझुना बार बार ये बताकर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप लोगों ने जातिगत जनगणना करवाई जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, आरजेडी भी शामिल थी, बीजेपी भी दावा करती है शामिल थी, एलजेपी भी शामिल थी। मेरा ये सवाल है जातिगत जनगणना के बाद बिहार क्या देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो गया? बिहार के युवाओं को क्या रोजगार मिल गया? बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या बेहतर हो गई? बिहार में क्या वहां के लोगों को एक बड़े बड़े सपने रोजगार को लेकर जो दिखाए जा रहे थे क्या वो उनको हासिल हो गया है? बिहार की तस्वीर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पिछले 35 सालों में या तो लालू यादव का वहां पर शासन रहा है, उनके परिवार से कोई मुख्यमंत्री रहा है, या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी उनको सपोर्ट देती रही है। मेरा ये सवाल है जिस जाति को लेकर आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग मानते हैं कि जाति ही एकमात्र काट है जिसके आधार पर हम बहुत वहां पर डेवलपमेंट कर देंगे। मैम बताइए ना, वहां पर तो पिछड़े मुख्यमंत्री रहे हैं ना 35 साल से, क्यों नहीं किया वहां का विकास? 5 ऐसे मुद्दे जिस पर आप गिनाइए इस देश को कि बिहार ने, आप मेरी बात सुनिए,
पांच ऐसे मुद्दे जिस पर आप गिनाइए इस देश को कि बिहार को इन पांच मामलों में आप लोगों की सरकार ने आगे लाने का काम किया है। अभी वक्त है आपके पास, गिनाइए, आप बताइए। ये जो बार बार आरक्षण का झुंझुना पकड़ाकर बच्चों को एक अलग तरह का माहौल बनाया जाता है। देखिए, आरक्षण एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन बिहार में हम आज भी जानते हैं कि किस तरह से वहां पर पलायन होता है। हम लोगों ने देखा है कोरोना के काल में लोगों की कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति थी, उसके बावजूद जब वहां की बड़ी बड़ी पार्टियां, उसमें आरजेडी भी शामिल है, उसमें मैं बीजेपी को भी लेती हूं, उसमें मैं बाकी पार्टियों को भी लेती हूं, बिहार की दुर्दशा देखी है क्या आप लोगों ने? इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करती हैं जाति के आधार पर। आप बताइए मुझे पांच मामले जिसमें लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में आप लोगों ने बिहार को अग्रणी राज्य में लाकर खड़ा किया था, बताइए। आप एग्जांपल दीजिए कि फिर आपका शासन आएगा उसके बाद इसी तरह से बिहार में बाहर आ जाएगी। त्रिपाठी जी, जो आप बोल रहे हैं ना आरक्षण का झुंझुना, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आरक्षण कोई झुंझुना नहीं है, सामाजिक न्याय करने का तरीका है जो बाबा साहब ने एस्टैब्लिश किया संविधान में। अरे ये प्राइवेट सेक्टर में इसके, मैं कह रही हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन उनके आरक्षण का लाभ जो गरीबों को मिलना चाहिए वो क्यों मिलता है खास विशेष वर्ग को? मेरा ये सवाल है ना, मैं आरक्षण पर तू मैं करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आरक्षण कितने साल पहले दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मैंने देखा है दलितों की, गरीबों की, ओबीसी की किस तरह की बुरी हालत है। मैंने दिखाई है बिहार से रिपोर्ट, आप क्या बात करेंगी? आप बात करने के साथ कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ आरजेडी की बात नहीं कर रही, मैं इसमें जेडीयू को भी लेकर आती हूँ, मैं इसमें जेडीयू को लेकर मैं बीजेपी को भी लेकर आती हूँ। बात यहाँ पर आरक्षण की नहीं है, बात आप बताइए ना कि बिहार किन मामलों में अग्रणी है, जातिगत जनगणना के बाद बताइए कि बिहार किन मामलों में अग्रणी हुआ, क्या वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल गया है? चित्रा त्रिपाठी, आप सुनने का दम रखिए जब आप सवाल पूछ रही हैं। बिहार इस मामले में आ गया है कि 10 साल में जो दम दिखाने की बात नहीं है प्रियंका जी, यहाँ पर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं यहाँ पर अपने जर्नलिस्टिक अप्रोच से बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जाति और धर्म के आधार पर बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर गरीबों की बात करने के लिए बैठी हूँ, मैं यहाँ पर लोगों की बात करने के लिए बैठी हूँ। और मैं आपसे बार बार पूछूंगी ये सवाल कि जातिगत जनगणना के बाद क्या बिहार में बाहर आ गया है, आप लोग बताइए, और नहीं आया है तो कौन है उसके लिए जिम्मेदार? आपके पास आते थे, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो मुद्दे, क्योंकि बहुत सारे मेहमान जातिगत जनगणना से भाजपा को आरएसएस को समस्या क्यों, इसका जवाब देंगे? अरे भाजपा को क्या समस्या, वो तो खुद ही दावा करती है कि हम लोगों ने सपोर्ट किया था, भाजपा भी काफी चाल चरित्र चेहरा इस मामले में एक ही है, भाजपा कोई इतर नहीं आप लोगों से। लेकिन आशुतोष जी, मैं आपके आ रही हूँ, गौरव भाटिया जी, आशुतोष जी आपके पास आते हुए, आशुतोष जी आपके पास आते हुए, ये जो सातवें चरण का चुनाव होने जा रहा है 57 सीटों पर, क्या मुद्दे शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इस 57 सीटों पर? चित्रा जी, इतनी लंबी चौड़ी आपने बातचीत कर दी, मैं खाली एक सेंटेंस में जवाब देना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को तो जिम्मेदार ठहरा दीजिए, कभी कभी जगन्नाथ मिश्रा को भी जिम्मेदार ठहरा दिया करिए। वो लोग जिन्होंने पिछले 2000 साल से, जिनकी आबादी माय ख्याल से 15% भी नहीं थी, उन्होंने इस देश को किस मकाम तक पहुंचा दिया कि अंग्रेजों की गुलामी भी हमें सहनी पड़ी। और आज अगर मुल्क गरीब है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तो ये उसी 15% की आबादी के शासन की वजह से है। आप ऊपर से नीचे तक उठाकर देख लीजिए, अगर मुल्क में कुछ दिक्कत है तो ये पिछड़ों की वजह से नहीं है, ये दलितों की वजह से नहीं है। जिनका शासन था उनको तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए ना कि क्यों इस देश के अंदर गरीबी थी। शासन तो आपने किया, कैबिनेट सेक्रेटरी आपके थे, सेक्रेटरी आपके थे, मुख्यमंत्री आपके थे, प्रधानमंत्री आपके थे, फिर यह देश क्यों गरीब हुआ? तो लालू प्रसाद यादव पे, नीतीश कुमार पे सवाल पूछना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि वो भी एक तरीके की जातिगत दुराग्रह से निकला हुआ अप्रोच है। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर लालू यादव को अगर आप जिम्मेदार ठहराते हैं, जगन्नाथ मिश्रा को भी जिम्मेदार ठहराइए, लेकिन हम जगन्नाथ मिश्रा को भूल जाते हैं। खैर, उस डिबेट में नहीं पढ़ना जाता, फिर कभी उस डिबेट में बात करेंगे। जहां तक आज की तारीख में सवाल यह है, मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता रहता मैं उनसे जवाब ले लेती, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे जगन्नाथ मिश्रा कोई रहता अभी पैनल में, मैं कांग्रेस पार्टी से जवाब ले लेती, बिल्कुल जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के नेता थे, उनसे मैं जवाब लेती बिल्कुल। आप जगन्नाथ मिश्रा का 10 बार नाम ले रहे हैं तो अभी कोई कांग्रेस का नहीं है, इस वजह से मैं सवाल नहीं पूछ सकती उनसे। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं आशुतोष जी, सुन लीजिए। इस देश में आजादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री हुए उनकी जाति भी देख लीजिए आप, क्या देश अब तरक्की किया एक सीमा के बाद? तो मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, उस डिबेट फिर कभी चलेंगे, बहुत लंबा चौड़ा विषय है,
क्योंकि लालू यादव मुलायम सिंह यादव मायावती को गाली देना बहुत आसान काम है, लेकिन उनका समाज उठ के खड़ा हो गया है और अपना हक मांग रहा है और हमको वो हक देते हुए दिक्कत पैदा होती, इसलिए हम इस तरीके की बातें करते। ये बात हमारे ख्याल से जो मलूक नागर जी बहुत अच्छी तरीके से, सर मायावती जी की आप बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की आप बात कर रहे हैं, कौन गाली दे रहा है उनको, कौन गाली? मैं तो कहता हूँ कि जब आप बार बार लालू यादव का नाम लिया जाता है तो मंदिरों में जाते हैं, मंदिरें भुलाई जाती है। ये तो हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग पिछले समाज मुझे लगता है कि ना आशुतोष जी आपने कम सुना या आपने आधा सुना या आप अपने हिसाब से ही सुनना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था, जातिगत जनगणना के बाद बिहार में बाहर क्या आ गई है, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मेरा हक है ये जानने का, बिहार के लोगों के आधार पर सवाल पूछने का। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने सपोर्ट किया था क्या, ये सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? लेकिन ठीक है सर, आपने कहा कि बहुत सारे बड़ी जातियों के प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़ेंगे, फिर मैं उनसे पूछ लूंगी, जैसे ही कांग्रेस पार्टी का अगर कोई जुड़ता है, अभी तो मेरे साथ नहीं है आशुतोष जी आप जानते हैं, तो फिर मैं कैसे पूछ सकती हूँ कांग्रेस वाला सवाल? उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर बिहार राज्य में अगर एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के अगर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अगर मायावती एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के अगर बन सकती है, उसका मतलब ये पिछड़े और दलित अब मजबूती की स्थिति में है। अब आप उनको उस तरीके से कोई डिक्टेट में आपकी बातें में कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। खैर मैं उस डिबेट में नहीं जाता हूँ, जो डिबेट बहुत लंबी छोड़ी डिबेट, उसमें फिर कभी डिबेट कर लेंगे। आज की तारीख में सवाल किस बात को लेकर है, एक चरण के चुनाव के बाकी बाजी रह गए, एक चरण के चुनाव भाई, तो आप गौरव जी आपके पास आ रही हूँ, तो एक बार इनकी आशुतोष जी की बात पूरी हो जाए, आ रही हूँ आपके पास। तो चुनाव के अंदर बड़े 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 दावे करते हैं, राहुल गांधी ने भी बड़ा दावा किया है और अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि पांच चरण के चुनाव के बाद हम तो 310 सीटें लेकर आ गए। मुबारक हो आपको, मैं तो पहले से मुबारकबाद दे रहा हूं, 400 सीटें लेकर आइए। हिंदुस्तान की जनता अगर आपको चुनेगी, मैंडेट देगी, तो देश को उसको सिर झुका उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यही लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वादों पर, बड़े बड़े वादों पर बहुत ज्यादा यकीन मत किया करिए। असली नतीजे 4 जून को आएंगे, जब हम सब बैठ के देखेंगे, बातचीत करेंगे और तब पता चलेगा दरअसल किसके दावे में दम था। राहुल गांधी के दावे में दम है, अखिलेश यादव के दावे में दम है, या गौरव भाटिया के दावे में दम है, तब देखेंगे, उससे चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया जी हल्के में नहीं ले सकते हैं इस बार इंडिया गठबंधन को आप, जितनी मजबूती से देखिए, उधर आरजेडी के साथ मिलकर, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार किया है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है, तो इस बार कड़ी और बड़ी टक्कर, लगातार विरोधी दल कह रहे हैं ये 2014 और 2019 वाली स्थिति कतई नहीं है। गौरव भाटिया जी, चित्रा जी, मैं तो ये कहूंगा राजनीतिक विश्लेषक को कि आप कृपया करके भारत की जनता को, बिहार की जनता को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत, लगन, निष्ठा, ईमानदारी को हल्के में ना ले, वरना 4 जून को आप दिखाई नहीं दोगे। और मैं इसलिए ऐसा कहता हूं, देखिए ये बता रहे थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जात क्या होती है और 15% के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे। चित्रा जी मैं इतना ही कहूंगा, यही सड़ी सोच है जिसको बदलना है। इन्होंने 15% को बता दिया कि ये गुनहगार हैं। आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जो होता है वो तो जनता के प्रति समर्पित होता है, संविधान की शपथ लेता है, तिरंगे के लिए अपनी जान देता है, उसकी जात देख रहे हो। और लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला करके 5 बार दोषित रहे, उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया। बड़े विचित्र राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक बुलाते हैं अपने आप को, ये नहीं पूछा कि भैया यादव परिवार के बाहर का आज तक कोई अध्यक्ष नहीं दिया लालटेन आरजेडी ने, इन्होंने ये नहीं पूछा। जब चारा घोटाले के आरोप लगे, लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे, तो राबड़ी देवी के अलावा कोई इन्हें नहीं मिला, पिछड़े समाज से ही कोई ढूंढ लेते। लेकिन अब ये बीच में ना बोले, चित्रा जी इनको शांत कराइए, शांत कराइए इनको, लालटेन की बत्ती बुझ गई है। टीवी का दिमाग, एक बार उनकी बात हो जाए, आशुतोष जी ने आराम से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं इस वक्त काशी में मौजूद हूँ, मेरे पास कोई यहाँ पर स्क्रीन नहीं है, ठीक है, प्लीज, तो मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, प्लीज आप लोगों से गुजारिश है।
अपनी अपनी बारी में ही बोले प्लीज। गौरव जी अपनी बात खत्म करें, पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। गौरव जी की बात एक बार पूरी हो जाए, आ रही हूँ। मैं राजनीतिक विश्लेषक जी से ये उम्मीद जरूर करता था कि वो बताएं सारे जितने दर्शक हैं उनको, लालू प्रसाद यादव कहते हैं पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए, क्या ये संविधान संगत है? लेकिन विश्लेषक जी चुप रहे, अब मुस्कुरा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कह रहे मुझे चाय पीने से मतलब है, जिसने मुझे चाय पिलाई मैं तो उसका ही गुणगान करूंगा। और मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बड़ा संदेश क्या है, अगर यादव परिवार से लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो मुख्यमंत्री बना, और पिछड़ों का भला होना होता तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हो जाता। लेकिन सत्य क्या है, एक ओबीसी समाज से तो ये चाय पी प्रधानमंत्री मिला, आपकी दक्षिणा वाली चाय उसको गाली कौन देता है? ये लोग गाली देते हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। प्रियंका जी आ रही हूँ, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा प्लीज। गौरव जी अपनी बात पूरी करें, पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, एसबीएसपी से उनके पास भी जाना है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। ठीक है बोले, जल्दी से अपनी बात पूरी। धन्यवाद। हाँ मैं बात पूरी कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ओबीसी प्रधानमंत्री को ये लोग गाली देते हैं, ओबीसी कमीशन जो है संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी जी ने दिया, 28 मंत्री ओबीसी समाज से। और सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि हमें गरीबों को आगे बढ़ाना है, सशक्तिकरण करना है, हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अब आप बताइए ये विश्लेषक बन के अगर सवाल नहीं उठा सकते कि एक चारा घोटाले वाला व्यक्ति अपने बेटे को आगे बढ़ाए और वो ठीक है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी कहे कि पिछड़ा समाज आगे आएगा तो इनको दर्द होता है। और मंडल जवाब लूंगी, आपसे भी जवाब लूंगी। एक बार पीयूष मिश्रा जी के पास जाते हुए, ठीक है पीयूष मिश्रा जी, पूर्वांचल में आप लोगों का प्रभाव है, अब जरा बताइए ये अगड़े पछड़ों की लड़ाई यहाँ भी चल रही है या फिर कोई मुद्दा? आशुतोष जी मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार पीयूष जी की बात हो जाए उसके बाद आप ही से जवाब लूंगी। प्रियंका जी भी जवाब देना चाहती है, अमित जबई साहब भी है, पीयूष जी जल्दी से अगड़े पछड़ों की लड़ाई पर ही चलता रहेगा या कामकाज भी बताएगी सरकार कि भैया हमने ये किया है 10 सालों तक और हम इसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं? देखिए आदरणीय चित्रा जी नमस्कार, मैं इस समय वर्तमान में घोसी लोकसभा में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय अरविंद राजभर जी एनडीए के प्रत्याशी और छड़ी चुनाव चिन्ह से मैदान में है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो अगड़े पिछड़े की बात आपने कही, अभी बगल का ही एक जिला है आजमगढ़, और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के मुखिया आके अखिलेश जी ने क्या क्या बात कही आरक्षण को लेकर, सबको पता है, विदित है, सबको जग जाहिर है। तो हम लोग जो वोट जो अपनी मांग रहे हैं वो मोदी जी के विकास पे, चाहे उन्होंने जो जो शौचालय दिया, पेंशन दिया, आवास दिया, सड़कें दी, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आप गई होंगी खुद ही बनारस, आपको पता ही होगा क्योंकि आप इस समय बनारस में मौजूद हैं। तो हम लोग अपने जो एनडीए का कार्य रहा, जो हमारी सहयोगी दल भाजपा है, जो उनका कार्य रहा, चाहे वो राशन हो, सब चीजों को लेकर हम मैदान में हैं। और आगामी 1 जून को 13 लोकसभा में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। याद होगा आपको पिछली बार 11 सीटें एनडीए के पक्ष में थी, और अब की आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 13 की 13 सीटें जिनका मतदान उत्तर प्रदेश का 1 जून को है, वह एनडीए परिवार और हम लोगों को मिलने जा रहा है। और हम लोग पुनः एक बार फिर भारी बहुमत के साथ 400 पार का जो नारा दिया गया है आदरणीय मोदी जी द्वारा, उसको हम पार करेंगे। और अभी देखा होगा योगी जी जब हमारे यहाँ घोसी में आए तो उन्होंने कहा भी था कि गर्मी बहुत है, गर्मी उतार देंगे। कल अच्छे अच्छे लोगों को लू लगने लगा और पानी की बोतल भी अपने सर पे डालने की नौबत आ गई, ये सबको पता है। तो चूंकि सबको सबकी हालत टाइट है, इसलिए क्योंकि जो कार्य एनडीए के रहे हैं, जो माननीय योगी जी और मोदी जी के जो कार्य सतत चल रहे हैं, उन सब बातों को लेकर हम क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता हमारा भरपूर सहयोग और भरपूर समर्थन भी कर रही है, जिसका रिजल्ट 1 तारीख को वोटिंग के बाद आपको 4 जून को दिखाई पड़ेगा। ठीक है प्रियंका जी, अमित जमे साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, मलुक नागर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी को लेकर गौरव भाटिया ने बड़े सारे सवाल पूछे थे। आशुतोष जी पहले आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक पिछड़ा प्रधानमंत्री इस देश में 10 सालों से कायम है, उसको तो ये लोग दिन भर गाली देते रहते हैं। चित्रा जी बहुत अच्छी बात, मैंने क्यों लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की थी, इसलिए लालू प्रसाद जी के बारे में बातचीत की थी, क्योंकि 30 सितंबर 2013 को लालू प्रसाद यादव जी की ही तरह जगन्नाथ मिश्रा को भी चारा घोटाले में कन्विक्शन हुआ था। कितनी बार जगन्नाथ मिश्रा का नाम लिया जाता है, ये भी तो एक मानसिकता है ना। ये जो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में आप बार बार नाम लेते हो, मायावती जी का नाम लिया जाता है, तो जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम लिया जाना चाहिए ना।
उनको भी चारा घोटाले में कन्विक्शन मिले, एक बार भी आप बीजेपी के लोगों से जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लेते क्यों? इस मानसिकता पर जब तक लालू प्रसाद यादव बिहार के बहुत बड़े नेता रहे हैं, आज भी उनका उतना ही दबदबा है आशुतोष जी, इस बात को आप मानेंगे ना? देखिए विचारधारा से बाकी चीजों से आप अलग इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव को अगर आप तुलना करेंगे तो लालू प्रसाद यादव का कद तो बहुत बड़ा रहा है ना, लेकिन इसी वजह से जब वो चारा घोटाले की बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, वो बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री वो इधर नरेंद्र मोदी को लेकर, लेकिन क्या, लेकिन हाँ उनके बाद जी बोल रहे भाटिया जी, पहले आशुतोष जी की बात हो जाए। तो मैं वो कह रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्रा तो कांग्रेस पार्टी के रहे हैं ना, तो उनका हाँ, तो वो कह रहे हैं ये तो सही बात है, लेना ही चाहिए पार्टी के रहे हो आप। दिलीप सिंह जुदेव का भी नाम लेना चाहिए ना, जिन्होंने कैमरे के ऊपर पकड़े गए तो कैमरे पे क्या कहा था उन्होंने, खुदा की कसम पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, लेकिन दिलीप सिंह जुदेव का नाम नहीं लेते, बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया जाता है, ये क्यों? बुरा मान जाएंगे, यही मैं इसी मानसिकता के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, और इसी मानसिकता के बारे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 2000 साल तक भ्रष्टाचारी, 2000 साल और लालू नंबर 2 है आपका ये कहना, 2000 साल तक उनके साथ पशुवत व्यवहार किया गया, अब 200 साल के लिए तैयार रही है, हम 200 साल के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे, दिक्कत इस बात को लेकर ही है। और अभी गौरव भाटिया कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, दिलीप सिंह जुदे किस पार्टी के हैं, बंगारू लक्ष्मण किस पार्टी के थे, दिलीप सिंह जुदेव किस पार्टी, जरा पूछिए इनसे, लेकिन दिलीप सिंह जुदेव का नाम नहीं लिया जाता, बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया जाता है, लालू प्रसाद यादव का नाम लिया जाता है, जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लिया जाता, ये एक मानसिकता है, जब तक इस देश के ऊपर ये मानसिकता काम करती रहेगी तब तक ये देश, अरे आप लीजिएगा जगन्नाथ मिश्रा का नाम सर, कौन मना कर रहा है आपको, जगन्नाथ मिश्रा अगर चारा घोटाला मामले में रहे हैं तो उनका नाम लेने में क्या बुराई है, लेना ही चाहिए, जो भी घोटाला करता है उसको तो आप बताएंगे ना, उसको क्यों छिपाएंगे आप, और उसको अदालतें सजा दे रही हैं, ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन मैं अब आ जाती हूँ गौरवाली जी, मैं आपके पास आऊंगी, प्रियंका जी भी बहुत देर से चुप है, अमित साहब भी बहुत देर से चुप है, दोनों की टिप्पणी ले लेती हूँ प्रियंका जी, लेकिन अब आपके पास आते हुए देखिए, बार बार आशुतोष जी इस बात पर बल दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जगन्नाथ मिश्रा रहे चारा घोटाला मामले में और लालू प्रसाद यादव आरजेडी के रहे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का नाम कम लिया जाता है, ऐसा क्यों? तो आपको भी यही बात लगती है आशुतोष जी जो कह रहे हैं? चित्रा जी वो कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट की बात कर रहे हैं, जिसको साफ सुथरा छवि का प्रस्तुत कर दिया जाता है, और मैं सिर्फ इसी बात पे बल देना चाहती हूँ, तो बार बार बनाया था ना, बाकी तो किसी ने बनाया नहीं था उनको, चित्रा जी जब इस बात की करती है तो हम वाजपेयी जी को भी यहाँ पर लेकर के चले आएंगे, अब रहे नहीं लेकिन उन्होंने संविधान समीक्षा समिति का गठन किया था, तो संविधान विरोधी तो भाजपा का चरित्र शुरू से रहा है, ये कोई नया चरित्र नहीं है, इनका खाद्य पूर्ति होता है वो मोहन भागवत का कह करके बिहार में आते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो पूरा तार जुड़ा हुआ है इनका, इस पे बात ही नहीं करते हैं। चित्रा जी मेरा बस आपसे एक छोटा सा प्रेम से अनुरोध है कि मैं और हमारी सरकार जब हम लोग यहाँ पार्टी में हमारी सत्ता में आती है इंडिया गठबंधन, हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने जा रहे हैं, मेरा अनुरोध आपसे भी होगा, आप पुरी जी से बात करके अपने भी चैनल में चित्रा पासवान, चित्रा कुशवाहा, प्लीज प्रियंका भारती जी, प्लीज प्रियंका भारती जी, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज प्रियंका भारती जी, मैं इस तरह की बातों से सख्त आपत्ति जताऊंगी, मुझे लगता है कि कई, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, एक सेकंड सुनिए, मुझे लगता है कि कई, मेरे कान में आवाज प्लीज बंद कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप वहां पर किसी और को अध्यक्ष बना दीजिए आरजेडी की, आपको अच्छा लगेगा क्या? मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए, और प्रतिस्पर्धा के माहौल में जिसके अंदर काबिलियत हो उसको आगे बढ़ने का मौका ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर देश के अंदर एक कुनबा नहीं बनाना है, हमें विदेशों से भी कॉम्पिटिट करना है और अपने आप को आगे लेकर जाना है। बार बार आरक्षण की बात आपकी ओर से कही जाती है, जो गरीब हैं, दलित हैं, उनकी बात सही है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि दलितों के आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा वो कौन लोग हैं उठा रहे हैं? इतने साल हो गए आरक्षण मिले हुए, उसके बावजूद उनकी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? दलितों के अगर हिस्से में आप जाइए, वहां पर स्थिति क्यों बनी रहती है? ये बड़ा सवाल है ना, और प्लीज किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्रियंका जी, मुझे सख्त आपत्ति है इस पर, प्लीज आज तक को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, चुनाव में आप हैं, चुनाव में बीजेपी है, चुनाव में दूसरे दल हैं, प्लीज इसमें आज तक को मत घसीटिए, अपनी बात पूरी कीजिए अमित जमाई साहब, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास।
चले, मुझे कहा जा रहा है कि वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। माफी के साथ आप सभी मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूंगी। कुल मिलाकर 57 सीटों का ये जो रण है वो भीषण होता हुआ चला जा रहा है। भीषण तो गर्मी भी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति क्या रहती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। दोनों ही तरफ के एनडीए इंडिया के अपने अपने दावे हैं, किसके दावे पर जनता करती है भरोसा और उसका दम दिखाती है चुनाव में अपने मतदान के जरिए, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में काशी विश्वनाथ की नगरी से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।